मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत झिटकिया में भूमि विवाद में एक पक्ष के आवेदन पर एक अभियुक्त को थानाध्यक्ष के द्वारा जेल भेजने और उसके बाद उनके घर पर 100 से अधिक लोगों द्वारा जबरन घर बनाने एवं गोलीबारी करने के विरोध में आक्रोशित लोगों ने NH 106 को जाम कर थानाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बाबत पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि दूसरे पक्ष के मंगल यादव, मोहम्मद कुदूस, मोहम्मद कौसर और मिंटू सहित लगभग 50 से अधिक की संख्या में हरवे हथियार के साथ अपराधी तत्व के लोग एकाएक फायरिंग करने लगे और यहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी अपराधी तत्वों को खदेड़ कर भगा दिया। वहीं इस घटना में चोटिल हुए लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। इधर इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सिंहेश्वर थाना पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए NH 106 को पूरी तरह जाम कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची सिंहेश्वर थाने की पुलिस लोगों को समझाने बुझाने और जाम तुड़वाने में लगी हुई है। हमारे कपार में भी बहुत लाठी बरसा है, लेकिन हम गाड़ी पे बैठे थे, हम टर्निंग ले रहे थे, कितना को कपार फोड़ दिया। हम क्या बताएं, यहाँ पे मेरा भैया भी है, उसका भी कपार फोड़ दिया है। हो गया। आप लोग के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद मिला है? प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, प्रशासन खुद है। हम इससे पहले भी हम कहीं पे थे, हमको प्रशासन की मदद नहीं मिली है। क्या बोलेंगे, क्या मांग करते हैं? मांग करते कि हमारे यहाँ पे जो दादाजी चाचा जी रहते हैं, अब मनाए मान लीजिए रोड साइड में रहते हैं, यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए कोई आ जाएगा मार देगा। और मेरी बहन जो दादी जी जित हुए उसको क्या किया, बोला कि यहाँ से जाएगा तो जाओ नहीं तो तुमको ठोक देंगे। एक चाचा जी था, उसका टांग में मारा पिस्टल, थोड़ा लगा लेकिन उसको लगा नहीं पूरा और बच के भागा। लेकिन वो जो आंटी जी थी, उसको जो कान का जो सोना का बाली ताली जो पहनती है, उसको भी तोड़ लिया। तोड़ने के बावजूद भी किया क्या, वो भागो तो भागो, ने तो 2-3 लाठी दिया। बाप राइट काट रहा तो खदरिया में हम लोग समाज जाके उसको उठाए, मर रही थी तब हम जाके हम लोग उसको उठाए। उठा के लाने के बावजूद देख रहे भैंस माल जाल जितना घर का गेहूँ तेहूँ था सब कुछ लेके चले गया। आज हम लोग यहाँ पे अड़े हैं रोड पे, क्या करेंगे? कौन मारा है, पहचानते हैं? हम तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ कुछ लोग कहते हैं कुदूस छोटू ऐसे बहुत ऐसे है, वो सा आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलखुश कुमार है। घर? घर सबेला जगत में। गेहूं बाग कर रहे थे, उधर से आए तो देखे 50 की संख्या में आगे आगे कुदूस, पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ रहे थे। ट्रैक्टर पर टट्टी बोझा हुआ था। यहां आने के बाद इस घर को चारों तरफ से घेरा, टट्टी तोड़ने लगा, पुराना नया टट्टी खड़ा करने लगा। उसके बाद जब ग्रामीण धीरे धीरे पहुंचने लगा हल्ला सुन करके, उसके बाद जो है ग्रामीण जब पहुंचा तो वो लोग जो है फायर किया, 2-3 आदमी को बांस बल्ला लाठी से भी मारा। हाथ में सबको थोड़ा छोड़ हथियार था, हथियार दिखाकर जो है लोगों को भयभीत किया, लेकिन ग्रामीण अपना हिम्मत जुटा करके वह भयभीत नहीं हुआ, उनसे अड़ गया। उसके बाद उन्होंने कुछ उसका लोग गाय खोल लिया, बकरी अथी भैंस खोल लिया, बकरी खोल लिया, महिला को धक्का मुक्का किया, कपड़ा खींचने लगा, भागो घर से, घर मेरा है। उस पर जो है ग्रामीण जब अड़ गया तब वह धीरे धीरे भागने लगा। बलपूर्वक वो लोग यहाँ के ग्रामीणों को भयभीत करना चाहा, लेकिन ग्रामीण ने अपना हौसला बुलंद करके उन लोगों से अड़े हुए रह गए। अच्छा, इस मारपीट में कितने लोग घायल हुए हैं? 3-4 आदमी को, 2 आदमी को सर फूटा, कुछ लोगों को लाठी लगा, कुछ लोगों को लपर थप्पड़ लगा। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार। घर? जजहट सबेला, वार्ड नंबर 8।